अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक गाइस। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप हॉरर गेम्स, जिनको खेलने के बाद आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। जी हाँ, ये ऐसे गेम हैं, इनके हाईली ग्राफिक्स गेम, बहुत ज़बरदस्त गेम है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दो। अगर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा तब भी भाई चश्मा वश्मा पहनो, कुछ भी पहनो, मुझे नहीं पता, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब का बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, बनके का गोल है उसको पूरा करना है। तो गाइस, आ जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस, नंबर 6 पर रखा है मैंने ग्रेवयार्ड शिफ्ट। ये बहुत ही मज़ेदार गेम है। इस गेम की स्टोरी कुछ इस तरह है कि भाई हम एक सिक्योरिटी गार्ड हैं, हमारे फर्स्ट डे है और हम नाइट में हमारी ड्यूटी है, लेकिन ग्रेवयार्ड बहुत ज़्यादा पुरसरार है, यहाँ पर कुछ भी हो जाता है, पता नहीं चलता। फिर हमें सीसीटीवी कैमरे में वो एक टास्क मिलता है जो कि पूरा करना होता है, जो करना बहुत ज़्यादा दिल वाले बंदे का काम है। तो गाइस, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार गेम है, इसको आप प्ले कर सकते हैं स्ट्रीम से, वहाँ से आप इसको बाय भी कर सकते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार गेम होने वाला है ये भी। और यार, हमें इस गेम के अंदर ऐसे डेड बॉडीज़ के साथ भी रहना है जो कि भाई बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप देख सकते हो कि यार, इन डेड बॉडी को उठा कर भी रखना है, इनकी पोजीशन भी चेंज हो जाती हैं, भाई कुछ भी हो सकता है। तो इन सब टास्क को हमें इस गेम में पूरा करना है। नंबर 5 मैंने रखा है डेड स्पेस को। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार गेम है, ये एक सर्वाइवल गेम भी है। इसमें हम एक सोल्जर हैं और हमें सर्वाइव करना है और इस जगह से स्केप करना है। काफ़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग गेम है, ये भी आप लोगों को मिल जाएगा स्टीम पर, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं, आराम से खेल सकते हैं। तो इस गेम की बहुत अच्छी स्टोरी है। नंबर 4 पे लेकर आया हूँ मैं रेजिडेंट एविल 4 रीमेक। ये बहुत ही ज़बरदस्त गेम है भाई। वैसे तो इस गेम में इतना बहुत ज़्यादा हॉरर नहीं है, बट गेम बहुत अच्छा सर्वाइवल गेम है। इस गेम के पार्ट्स बहुत अच्छे हैं, चैप्टर बहुत अच्छे हैं, इस गेम के जो मॉन्स्टर हैं भाई वो बहुत ही अपर लेवल के हैं। इसकी स्टोरी कुछ इस तरह के, एक हम मीन के पुलिस इंस्पेक्टर हैं आई थिंक, और हमें एक प्रेसिडेंट की बेटी को बचाने के लिए यहाँ इस विलेज में हम आए हैं। तो हमें इस गेम में स्केप करना है और उस प्रेसिडेंट की बेटी को भी भाई सेफली यहाँ से स्केप कराना है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार गेम है। इस गेम में बहुत सारे ऐसे मूमेंट्स हैं जो कि भाई बहुत ज़्यादा हॉरर और एपिक होने वाले हैं। तो गाइज, इस गेम को मैंने रखा है इसे नंबर 4 पर। नंबर 3 पर रखा है मैंने माय फेवरेट गेम रेजिडेंट एविल विलेज। ये भाई मेरा भाई सच बोलूँ तो भाई मेरा पर्सनल बहुत ज़्यादा पसंदीदा गेम है। इस गेम की स्टोरी भी भाई बहुत हाई लेवल है और इसकी ग्राफिक्स भी बहुत ज़बरदस्त है। इस गेम की स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक सोल्जर था आई थिंक, मीन के सोल्जर था या है इस गेम में, तो उसकी बेटी थी और उसको अपनी बेटी को कराना था स्केप, मीन के उसकी बेटी को एक विलेज की महारानी मदर मिरांडा ले जाती हैं और उसको बलि देकर अपनी बेटी को वो ज़िंदा करना चाहती जो कि ऑलरेडी मर चुकी, बट उसका जो बाप है मीन के इथन विंटर वो उसको बचाने गया था। और भाई काफ़ी मज़ेदार गेम है। इस गेम के मॉन्स्टर भी भाई बहुत ही हाई लेवल हैं और भाई बहुत हॉरर गेम है। आप इसको जब खेलोगे तो आपको खुद मज़ा आएगा और इसको भी आप स्टीम से परचेज़ करके बाय करके खेल सकते हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। नंबर 2 पे मैंने रखा है रेजिडेंट एविल बायो हैज़र्ड। ये गेम रेजिडेंट एविल विलेज से पहले रिलीज़ हुआ था और इसकी स्टोरी भी भाई बहुत ही ज़बरदस्त है। इस गेम में इथन विंटर भी है बट ये उससे पहले का है। तो इस गेम में सीन ये है कि ये अपनी मेन के महबूबा मियाँ को बचाने के लिए जाता है उसके हाउस में, बट उसके पेरेंट्स और उसका जो भाई है, आई डोंट नो कि वो उसका रियल भाई था या कि उसका मीन के स्टेपसन, मीन के स्टेप फादर वगैरह थे, कुछ मुझे इसका नहीं पता भाई। लेकिन इसकी स्टोरी कुछ इस तरह ही है कि भाई वो अलग ही लेवल के लोग थे भाई, वो मॉन्स्टर थे, लेकिन आई थिंक मियाँ भी शायद कुछ उसके अंदर एक अलग ही किस्म की पावर्स थी जो कि बाद में रेजिडेंट एविल 8 में उसकी बेटी में ट्रांसफ़र हुई थी। तो भाई जब आप इस गेम को खेलेंगे तो आपको खुद पता चलने वाला है गेम भाई किस लेवल का है। इस गेम के हॉरर होने की वजह से और बहुत ज़्यादा हॉरर होने का, इसको मैंने नंबर 2 पे रखा है। तो आप इसको प्ले कर सकते हैं, इसको स्टीम पे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 पे रखा है मैंने हेल सीड चैप्टर 1 को। ये भाई बहुत ज़्यादा ही हॉरर गेम है भाई, इसकी स्टोरी बहुत ही ख़तरनाक है क्योंकि ये एक
डॉक्टर का घर है जिसकी डेथ हो चुकी है, और हम एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इसे घर पर जाते हैं, बट इसके घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से हम अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने में भाई डर जाते हैं। तो भाई इस गेम के बहुत से पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें भाई माहौल ऐसा बनने वाला है कि आप सोचोगे कि भाई गेम ही छोड़ दूँ, बट बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छी स्टोरी है, एंड में जो इसका एंड है वो बहुत ही ख़तरनाक है गेम का। तो उम्मीद है कि आप सबको ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे, क्योंकि ये गेम है ही भाई इतने ज़्यादा ख़तरनाक और हॉरर, इनके ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को गेम पसंद आए होंगे। अगर आपको कोई ऐसा गेम हो जो कि बहुत ज़्यादा पसंद है और आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, वो गेम मैं कोशिश करूँगा कि भाई प्ले कर लूँ, तो आप मुझे कमेंट्स बुक में बताएं। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, दिल से सब्सक्राइब का बटन दबा दो भाई, क्योंकि हमें सब्सक्राइब 1K तक पहुंचना है बहुत जल्दी। तो भाई वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय, अल्लाह हाफिज़।